हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। आज हम जा रहे हैं बात करने के लिए ब्लॉकचेन के बारे में। आखिर क्या होता है ब्लॉकचेन? जिस तरह से पास्ट में कहा गया था इंटरनेट के बगैर दुनिया नहीं रह सकता है, उस तरह आज क्यों कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में फ्यूचर में ब्लॉकचेन के बिना दुनिया इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। क्या होता है ब्लॉकचेन, इसके बारे में अच्छे से हम जानेंगे और इसको एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपने अभी तक नाम नहीं सुना है ब्लॉकचेन को, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और जान जाइएगा क्या होता है ब्लॉकचेन। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं ब्लॉकचेन कहां से आया, कब शुरुआत हुआ, कब ये इम्प्लीमेंट हुआ और ब्लॉकचेन क्या है, और जो लोग ब्लॉकचेन पे काम करते हैं उनको आखिर मिलता ही क्या है। तो ब्लॉकचेन सबसे पहले दुनिया में इंट्रोड्यूस हुआ था 1991 में। ब्लॉकचेन के यूज करके सतोशी नाकामोटो जो है 2009 में बिटकॉइन बनाया था। आई होप आपने बिटकॉइन को अभी तक नाम सुन ही लिया होगा। ब्लॉकचेन एक टेक्निक है जहां पे डाटा को इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के काम किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है ब्लॉकचेन में कि ये सेंट्रलाइज नहीं है, यानी कि इसका मालिक जो है कोई एक पर्सन नहीं है, सिंगल पर्सन नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये हो गया कि ये डाटा जो है ओवर द वर्ल्ड फैल गया। जो जो लोग जो है ब्लॉकचेन में अपने कंप्यूटर का काम में लगाए हुए हैं, जितने भी कंप्यूटर लगी हुई है ब्लॉकचेन में, उस कंप्यूटर के पास ही ये डाटा चला गया है और डाटा सेव हो गया है। अब उस डाटा को आप कभी चेंज नहीं कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा, आखिर ये ब्लॉकचेन में इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट होता है? तो जैसे ही आप अपना इंफॉर्मेशन इंटर करते हैं ब्लॉकचेन में, तो एक ब्लॉक बन जाता है और उस ब्लॉक में तीन पॉइंट होता है, आपका डाटा, हैश और प्री हैश। प्री मतलब प्रीवियस हैश। डाटा मतलब ये हो गया जो आप इंफॉर्मेशन अपना उसमें डाल रहे हैं, वो हो गया डाटा। हैश ये यूनिक होता है, जिस तरह से आपका फिंगरप्रिंट होता है, जो दुनिया में किसी और लोग के पास ये फिंगरप्रिंट नहीं है, उस तरह से हैश क्रिएट होता है जो दुनिया में किसी और जगह वो क्रिएट ना हुआ हो। और प्री हैश का मतलब ये हो गया कि जो उसके पहले वाला हैश है उससे वो कनेक्टेड है। इस तरह से ये ब्लॉक जब क्रिएट हो गया तो इस ब्लॉक का जो हैश है वो दूसरे ब्लॉक में काम आ जाएगा, दूसरे ब्लॉक में वो ऐड हो जाएगा और उस ब्लॉक का एक अपना हैश जो है क्रिएट हो जाएगा और उसका डाटा जो है अलग होगा। इस तरह से स्टोर होता है ब्लॉकचेन में इंफॉर्मेशन। अगर आप ब्लॉकचेन में एक बार अपना इंफॉर्मेशन इंटर कर दिए तो आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डाटा जो है डिसेंट्रलाइज हो गया, ये हर एक कंप्यूटर में चला गया है। अगर आप उसको चेंज कर रहे हैं तो उस ब्लॉक का हैश जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे इस ब्लॉक का हैश चेंज होगा तो नेक्स्ट ब्लॉक से वो डिसकनेक्ट हो जाएगा और उस ब्लॉक का चेंज हो जाएगा और जितने भी ब्लॉक कनेक्टेड है पूरे वर्ल्ड में, वो सब एक दूसरे से अलग अलग हो जाएगा, वो कनेक्टेड नहीं रहेगा। और इसी वजह से अगर कोई हैकर जो है हैक करता है और चाहता है डाटा को चुराने के लिए, तो वो उसको चेंज नहीं कर पाता है, क्योंकि ब्लॉकचेन जो सेंट्रलाइज नहीं है वो हर एक कंप्यूटर में है। तो इसी वजह से जो है ब्लॉकचेन जो है सेफ है। अगर कोई हैकर इसको हैक करने आ रहा है तो उसका हैश जो है चेंज हो जाएगा। जैसे उसका हैश चेंज होगा, उसके नेक्स्ट ब्लॉक का हैश जो है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा और हैकर जो उसको हैक नहीं कर पाएगा। अगर हैकर चाहता है हैक करना तो मैक्सिमम वोटिंग चाहिए। जितने भी कंप्यूटर में ब्लॉकचेन से काम हो रहा है, आप उसमें अगर 51% कंप्यूटर का हैक कर लेते हैं जो ब्लॉकचेन में काम कर रहा है, तब जाकर आपके पास मैक्सिमम वोटिंग होगी। और मैक्सिमम वोटिंग होगी तब जाकर आप डाटा को चेंज कर सकते हैं, डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, डाटा को अपने अंदर ले सकते हैं। तो ये ब्लॉकचेन जो है मैक्सिमम वोटिंग पे काम होता है, क्योंकि अगर आप एक को चेंज कर रहे हैं तो सब चेंज हो जाएगा और एक दूसरे से पूछने लगेगा, कनेक्ट हो जाएगा कि हाँ ये डाटा चेंज हो गया, सही है। तो अगर जिसका मैक्सिमम वोटिंग होगा वो सही होगा और ये गलत है तो इसको छांट देगा, इसको हटा देगा। आपका इस तरह से डाटा जो है सेफ है ब्लॉकचेन में। तो ब्लॉकचेन में दो सबसे महत्वपूर्ण, दो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है। एक होता है नोड्स, दूसरा होता है माइनर। बिना नोड और माइनर्स का ब्लॉकचेन जो है कुछ नहीं है। जिस तरह से एक एग्जांपल से आपको हम समझाते हैं, आप अपने पेटीएम से या फोनपे से पैसे को ट्रांसफर करते हैं किसी दूसरे आदमी के पास, तो जैसे आप ट्रांसफर करते हैं पैसे को दूसरे आदमी के पास, ये आप है, ये दूसरा आदमी है,
तो एक बैंक है बीच में, जैसे आप पैसे भेजते हैं, मान लीजिए आपके अकाउंट में 20,000 रुपया है, आप 5,000 किसी को भेज रहे हैं, तो ये बैंक के पास आता है और बैंक वेरीफाई कहता है क्या आपके पास पैसा है या नहीं जितना आप भेजना चाहते हैं। अगर आपके पास उतना पैसा है तो वो तीसरे आदमी के पास जिसके पास आप भेजना चाहते हैं उसके पास आप भेज देते हैं, अब पैसा जो है चला जाता है। उसी तरह से ब्लॉकचेन में होता है, जैसे आप बिटकॉइन को ट्रांसफर कर रहे हैं तो जैसे आप बिटकॉइन को किसी दूसरे आदमी के पास जा रहे हैं तो इसकी जो वेरीफाई जो है जो देखभाल कहता है कि आपके पास इतना बिटकॉइन है या नहीं, ये जो है नोड कहते हैं, वो चेक करता है, कन्फर्म करता है, वो अभी पेंडिंग में रखा होता है और चेक करता है कि आपके पास उतना बिटकॉइन है भी है या नहीं जितना आप सेंड कर रहे हैं। अगर आप उस आपके पास उतना बिटकॉइन है तो जाता है माइनर के पास, माइनर जो है अलग अलग कंप्यूटर पर बैठे हुए होते हैं और ये ओवर द वर्ल्ड फैला हुआ होता है और उसके पास ये आपस में बातचीत करते हैं। बातचीत मतलब ये नहीं कि आपस में कॉल लगा बात करें, नहीं, वो क्या बोलते हैं, कंप्यूटर से सब लिंक होता है और एक लिंक के थ्रू अगर ये सब कुछ सक्सेस रहा तो वो अपने आप जो है बिटकॉइन जो है ट्रांसफर हो जाता है। नोड जो है वो कन्फर्म कहते हैं क्या आपके पास इतना बिटकॉइन है या भी या नहीं, और माइनर जो है उसको भेज देते हैं आपस में कंप्यूटर जो बात कर लेते हैं कि हाँ इनके पास इतना बिटकॉइन है और ये पर्सन जो है वो सही है और जितने भी हैश मिल रहा है वो सबका सेम ही है, तो वो बिटकॉइन जो ट्रांसफर हो जाता है। तो ये होता है नोड और माइनर। तो आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि आखिर जो लोग ब्लॉकचेन में काम कर रहे हैं उनको मिलता क्या होगा, वो क्यों अपने कंप्यूटर को इस काम में लगाए पड़े हैं, अपने बिजली बिल बर्बाद कर रहे हैं, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, इनके बदले में उनको क्या मिलता है। तो जो लोग इसमें काम करते हैं, जो लोग ब्लॉकचेन में काम करते हैं, अपने कंप्यूटर को काम में लगाए हुए होते हैं, उनको जो है उसके बदले में बिटकॉइन मिलता है और बिटकॉइन का आप प्राइस जानते ही हैं कितना है, तो इस वजह से लोग इसमें पार्टिसिपेटेड है। और ब्लॉकचेन जो है वोटिंग पे काम करता है, जितना ज़्यादा वोट होगा तो उस पर्सन को उसको माना जाएगा। एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि मान लीजिए कि बस 100 ही कंप्यूटर है जहाँ पे 100 ही कंप्यूटर में ब्लॉकचेन काम कर रहा है, तो अगर आप हम इंफॉर्मेशन को चेंज कर रहे हैं अपने, अगर 99 जो है वो सही कर रहा है कि नहीं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन चेंज हुआ है और एक जो है गलत बता रहा है कि नहीं इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं हुआ है, तो इस कंप्यूटर वाले को पनिश किया जाता है और उन पे फाइन लगाया जाता है। अगर यहाँ पे अगर ये हम चेंज भी किए, अगर यहाँ वोटिंग जो है अगर 51 जो है अगर बोलेगा कि हाँ चेंज नहीं हुआ है और 49 अगर सही भी बोलेगा कि हाँ चेंज हुआ है तो 51 का बात माना जाएगा। तो इस तरह से काम करता है ब्लॉकचेन, और ब्लॉकचेन को हैक करना, उसमें डाटा को चेंज करना, उसको मैनिपुलेट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों ये रहा पूरा ब्लॉकचेन के बारे में, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और काफ़ी कुछ यहाँ से आप सीख कर गए होंगे। अगर वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी जान जाए आखिर ब्लॉकचेन क्या होता है। तो ऐसे ही फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।